हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी कुछ समय बाद गणेश पूजा शुरू होने वाला है और उसी की तैयारी में सारे मूर्तिकार लगे हुए देख सकते हैं। एक साहू मूर्तिकार करके हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं अंदर में पूरा ये मूर्ति वगैरह बना रहे हैं भाई लोग। तो इसको कैसे बनाते हैं और कितने में बिकता है क्या है सारा कुछ आपको हम बताएंगे, बस आप बिनोम बने रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसा कुछ मूर्ति यहाँ पर बनाया गया है जो अलग अलग तरह से देख सकते हैं। गणेश जी का देख सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। साथ में यहाँ पर नवरात्रि के मद्देनज़र देख सकते हैं सबसे बड़ा ये गणेश। साथ में नवरात्रि के मद्देनज़र यहाँ पर माँ दुर्गा का भी यहाँ पर मूर्ति बनाने का स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं ये सब माँ दुर्गा के लिए है। और ये भाई साहब हैं देख सकते हैं जो मूर्ति बना रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कब से ये मूर्ति वाला कार्य कर रहे हैं और कितना बिकता है इसका और कितना आमदनी हो जाता है सारा कुछ। तो दोस्तों देख सकते हैं एक ये मूर्ति जिसमें लगातार भाई साहब काम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इनके टूल वगैरह, ये ब्रश, पानी वगैरह और लगातार ये किससे बनता है भाई? मिट्टी से बनता है ना। ठीक है, देख सकते हैं पूरा प्योर मिट्टी से यहाँ पर मिट्टी भी ये रखा हुआ है और मिट्टी से पूरा बना रहे हैं। ये लोग भी हैं साथ में, भाई लोग भी, ये लोग भी असिस्टेंट मांग चलिए, मगर जो मुख्य कारीगर है वो ये भाई साहब हैं। हेलो भाई। हाँ भैया नमस्ते। तो पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए भाई। हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी शंकर साहू है, मैं ग्राम पिंटरी के रहने वाला हूँ। ये कब से काम कर रहे हैं ये मूर्ति बनाने वाला भाई? लगभग मोला भैया तीन चार साल हो गए। तो मतलब कहाँ सीखे थे आप, कहाँ सीखे थे? एक तो भैया मैं मोर बचपन से खोई श्री से मतलब सीखे गए और जब मैं कलकत्ता वाला बनकर चांपा में कॉन्टेक्ट करें तो बोलीस कि फिलहाल तो नहीं रखा जा बाहर के आदमी ला, मैं आधार कार्ड दे तो फिर हाल में मुर रखीस। तो चापा में जो कलकत्ता से आए थे बनाने वाले, हाँ हाँ, उनसे आप सीखे थे? हाँ भैया। कितने साल पहले की बात है ये? लगभग दो साल पहले की बात है। हाँ, तब से फिर अपना ये सारा जो देख रहे हैं आप बना रहे हैं? हाँ भैया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कलकत्ता से इन्होंने सीखा था और बहुत ही अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं मूर्ति वगैरह चारों तरफ। अभी तो इसको फाइनल जो पेंट वगैरह करना बाकी है, चालू हो जाए भैया। ये कितने दिन का प्रोसेस होता है भाई, कितने दिन में बना लेते हैं आप लोग? अबे भैया मैं 2 महीना पहले शुरू कर रहा था। हाँ। तो इसमें आमदनी वगैरह बताइए भाई, एक मूर्ति कितने का बिक जाता है आमदनी वगैरह? अच्छा, ये जो सीजन में आमदनी हो जाता है आप लोग? हाँ भैया, बढ़िया बढ़िया। एक मूर्ति का मतलब 1000 रुपया, मतलब 10,000 से स्टार्टिंग है। जैसे अगर मान लीजिए कोई युवा सीखना चाहता है, हाँ, तो इस फील्ड में जैसे कोई खेती मजदूरी कर रहा है उससे अच्छा अपना जैसे, हाँ, बिजनेस है ये मांग के चले एक प्रकार का, तो उसमें ठीक है ना, फायदा ही है ना? हाँ भैया, फायदा है। ठीक है ठीक है भाई। आराम कितना कमा लेते हैं आप एक मूर्ति का? एक मूर्ति में मतलब 700-800 बन जाता है, मतलब साइज देख देख के। साइज देख के। ठीक है भाई, ठीक। तो मतलब गणेश के अलावा दुर्गा माता उसके अलावा भी और कुछ मूर्ति बनाते हैं? काली वाली सारा, मतलब जो जो भी मूर्ति होता है। हाँ। तो दोस्तों देखते हैं भाई साहब को आपने सुना, तो इसमें आप मूर्ति वगैरह का भी सीखने का प्रयास कर सकते हैं, एक काम ये भी है। और देख सकते हैं कितना शानदार मूर्ति कला, ये भी विशेष रूप से हर चीज़ में प्रयोग होता है, जानते हैं। कहीं का भी मूर्ति बनाना हो, मंदिर वगैरह का भी मूर्ति अलग से रहता है। देख सकते हैं इन्होंने एक मूर्ति ऐसा भी बनाया है जिसमें गणेश भगवान को इसमें साइकिल मोटरसाइकिल में यहाँ पर लेटेस्ट आज के ज़माने के हिसाब से। चलिए इसका अच्छा से और वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ये इसको मूसक के आकार दिया गया है बाइक को,
और आज के जमाने के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है, देख सकते हैं KTM में। इसके अलावा देख सकते हैं ये चित्रकारी भी यहाँ पर हुआ है, तो ये चित्रकारी भी आपने किया भाई, ये वाला। तो दोस्तों देख सकते हैं चित्रकारी में भी ये पारंगत है, देख सकते हैं कितना बड़ा आर्टिस्ट है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग तरीका से यहाँ पर मूर्ति बनाया गया, देख सकते हैं ये भी एक मूर्ति है जिसमें नाव में सवार है गणेश भगवान, देख सकते हैं। ये मूसा वाला देख सकते हैं, तो अलग अलग तरीका से ये सब। हाँ भाई, ये सब कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाव वाला बनाया, अलग अलग सोचना पड़ता है कि हाँ ठीक है ठीक है। इसको एक मूर्ति बनाने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? लगभग 2-3 घंटा। हाँ, और जो ये जैसे इसके बीच बीच में देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये है मूर्ति, तो इसको मतलब मिट्टी से खाली ऐसा नहीं, बीच बीच में कुछ देना पड़ता है ना? नहीं, पैरा पैरा से लकड़ी देकर आप वो करते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पेंड्री गणेश मूर्ति शॉप का ब्लॉग दिखाया। अगर आपको चाहिए मूर्ति वगैरह तो आप पेंड्री में आकर खरीद सकते हैं भाई के शॉप से। यहाँ पर साहू मूर्ति है ना भाई, साहू मूर्ति करके है, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आसपास के हैं तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मूर्ति का, जैसा भी आप प्रकार का आपको मूर्ति चाहिए बड़ा से बड़ा भाई चाहिए, और ऑर्डर अगर आपको मिलेगा तो बड़ा से बड़ा मूर्ति बना लेंगे। हाँ भैया, हाँ, तो देख सकते हैं बड़ा से बड़ा मूर्ति बनवा सकते हैं ऑर्डर में आकर यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।